इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। सहरसा जिले के शोरबाजार नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 के लोगों ने जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने की मांग कर नगर पंचायत अधिकारी से करते हुए बताया कि भारी बारिश के कारण हम लोगों के वार्ड में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे मुख्य सड़क मार्ग तक जाने में काफी परेशानी हो रही है। इसको लेकर वार्ड के लोगों का कहना है कि जिस मार्ग में जल जमाव की स्थिति पैदा हुई है, वहां पहले से ही सड़क मार्ग नहीं बनाया गया, जिससे यह भयंकर स्थिति पैदा हुई है। जबकि सड़क मार्ग निर्माण को लेकर विगत 10 साल पहले ही आवाज उठाई जा रही है, जिस पर आज तक ना तो पूर्व के मुखिया द्वारा कोई ठोस कदम उठाया गया और ना ही स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा। हकीकत तो यह है कि अब शोर बाजार पंचायत से नगर पंचायत में तब्दील हो गया, जहां चुनाव संपन्न हुए भी लगभग 1.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन नगर पंचायत के अधिकारी द्वारा पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही और न सड़क मार्ग बनाने पर आज तक कोई पहल की गई। शायद पहले अगर सड़क मार्ग का निर्माण कर दिया गया होता तो आज हम सभी वार्ड वासियों को जल जमाव की स्थिति से नहीं गुजरना पड़ता। तो देखते हैं यहाँ कई दिनों से पानी लगा हुआ है, पानी कहाँ से आया हुआ है? ये पानी, सारा पानी शहर में जो भी पानी बढ़ा है नगर पंचायत के बाद, जो जनसंख्या का जो पोजीशन हुआ है, अच्छा, जिस तरह से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसमें जो पानी का जो जहाँ पानी का जो पानी का जो व्यवस्था होना चाहिए, व्यवस्था तो हो नहीं रहा है। अच्छा। बढ़ती जनसंख्या को लेकर जल जमा जमा होता है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। हम लोगों के यहाँ जो पानी की समस्या है, या जो है सो हम लोगों का मवेशी बाल बच्चा कहाँ जाएगा रहने के लिए, हम लोग जीवन दुभर हो रहे हैं। पानी का समस्या, ये ठेहुन भर पानी था यहाँ जमा। अच्छा। इस तरह की स्थिति यहाँ हो रही है, स्थिति बहुत बेघर हो चुका है। अच्छा, ये पानी जो लगा हुआ, ये सड़क है या क्या है ये? ये तो गली कहा जाए, ये गली है, मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ गली है। और अच्छा। खास करके सरकार के द्वारा जो दी गई योजना है गली नली योजना, अच्छा, अच्छा। गली योजना में भी कुछ तो हो नहीं रहा है, सिर्फ बंदर बांट हो रहा है। कहने का मतलब ये आज से समस्या नहीं है, पीछे अच्छा। में देखिए 10-12 घर का परिवार बना हुआ, सरकार के द्वारा जो बसावट बनाई गई है उसमें जो किसी प्रकार का वर्क हो नहीं रहा है। और जो है सो यहाँ जितनी भी काम जो पड़े हुए, जो कि जनहित से जुड़ा हुआ चीज है, वो हो नहीं रहा। अच्छा, जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है तो नगर पंचायत के द्वारा पानी निकासी का कोई व्यवस्था नहीं किया गया? नगर पंचायत के द्वारा किया गया, वो कहीं भी किया गया, जब सारा चीज हो चुका किया गया, महज खानापुरी कहा जाए उसको। अच्छा, यहाँ पे नहीं किया गया अभी? और ये जी नहीं, अभी रास्ता का बनना महज जरूरी, मस्त जरूरी है। अच्छा, कौन सा वार्ड है ये? वार्ड 2 नंबर वार्ड है, ये तो आप 2 में आया, ये 2 नंबर वार्ड जी, नगर पंचायत में जो वार्ड का हुआ गठन, इसीलिए हम थोड़ा सा, लेकिन वार्ड नंबर 2 में आया। नगर पंचायत शोर बाजार का वार्ड नंबर 2 है जी जी। तो जैसे जल जमाव की स्थिति यहाँ बनी हुई है, इसको लेकर के आप सरकार से क्या आग्रह करना चाहेंगे, आपकी समस्या हट जाए? सरकार से यही आग्रह करना चाह रहे हैं कि बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए नगर पंचायत का गठन हुआ, नगर पंचायत के गठन के साथ साथ लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें भी सहूलियत मिलनी चाहिए, उसमें भी उनको राहत मिलनी चाहिए, ताकि लोगों का जनजीवन सामान्य रूप से चल सके। क्या नाम है आपका? सीताराम गुप्ता। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।